एक काली भाभी की चार गोरी ननंद। सुभद्रा का बेटा अनुज अपनी पसंद की सुप्रिया नाम की एक काली लड़की से शादी कर उसे घर में ले आता है, जिसे देखकर सुभद्रा आपत्ति जताती है। अनुज, मैंने तुझे इतना बड़ा इसी दिन के लिए किया था कि तू अपनी माँ के सपनों को कुचल के एक काली लड़की से शादी कर उसे यहाँ ले आए। तुझको जात बिरादरी और मेरी नाक का ख्याल भी नहीं रहा। पूरी धरती पर तुझे ये कलूटन ही मिली थी। माँ, अब सुप्रिया मेरी पत्नी बन गई है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको उसे इतना कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। माँ जी, बातों का बुरा मत मानिए, ये बस मुझे बहुत प्यार करते हैं और आपसे भी, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। ओह कल्लो माई, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? और अनुज, तुझे अपनी चार बहनों का ख्याल नहीं आया? अब उनकी शादी कैसे होगी? तूने अपनी पहले कर ली। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं उनकी बहुत अच्छी जगह शादी करूंगा। फिलहाल तो वो हॉस्टल में है। अब तुझसे नाराज होकर भी मैं क्या ही कर लूंगी, अपनाना तो पड़ेगा ही। तू इसे प्यार जो करता है, आज बहू अब शक्ल क्या दिखा रही है? अपनी सास के पैर नहीं छुएगी क्या? जरूर छूंगी माँ जी। फिर आंखों में खुशी के आंसू लिए सुप्रिया अपनी सास के पैर छूती है और सुभद्रा उसका गृह प्रवेश कर देती है। अगले दिन से सुप्रिया एक आदर्श बहू की तरह घर के सारे काम करती है, जिससे सुभद्रा बहुत खुश होती है। तूने जिस तरह से आज पहले ही दिन काम कर लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। पर ये बता, मेरे गोरे से बेटे ने तेरे जैसी काली सूरत में ऐसा क्या देखा जो उसने तुझसे प्यार कर लिया? माँ जी, यही तो उनकी खासियत है। उन्होंने मेरी बाहर की रंगत को न देखकर मेरे अंदर के दिल को पहचाना है। हाँ चल, ठीक है ठीक है, अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा चटपटा नाश्ता बना दे। सुबह तेरे हाथ का मीठा हलवा खाया था ना, इसीलिए मन मीठा मीठा हो रहा है। आप 15 मिनट रुकिए, मैं आपको पुदीने की चटनी से प्याज आलू की भजिया बनाकर खिलाती हूँ। फिर सुप्रिया अपनी सास को भजिए बनाकर खिलाती है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। दिन गुजरते हैं और चारों गोरी बहनें दरवाजे पर सूटकेस और हाथों में गिफ्ट लेकर खुशी से कहती हैं, मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा भाभी से मिलने के लिए। मेरे हाथों में गिफ्ट है। साक्षी, जरा दरवाजे की बेल बजा। अरे मेरे हाथ में भी, इनफैक्ट हम चारों इतनी प्यारी भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। एक मिनट, मैं सामान नीचे रखती हूँ, सबको सरप्राइज देंगे हम। साक्षी एक गिफ्ट जमीन पर रखकर डोर बेल बजाती है तो सुप्रिया दरवाजा खोलती है। अरे आप कौन? मैं माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, देखिए कौन आया है। अरे लगता है माँ ने मेड भी रख ली है, कितनी काली सी है। सुनो, माँ और मेरी भाभी को बुलाओ ना। तभी सुप्रिया के कहने पर सुभद्रा बाहर आती है और अपनी चारों बेटियों को देखकर खुश हो जाती है। अरे तुम चारों अचानक कैसे आई, मैं तो बहुत खुश हो गई। अपनी भाभी से मिलो, ये है तुम्हारी भाभी सुप्रिया। ये सुनकर चारों गोरी ननंद के हाथों से गिफ्ट छूट जाता है। क्या माँ, ये क्या बोल रही हो? ये नौकरानी जैसी काली सी लड़की भला हमारे भाई की पसंद और हमारी भाभी कैसी हो सकती है? छी, इयो, लगता है इन्हें किसी ने ज्यादा देर काले से तवे पर रख दिया हो, इसीलिए जलकर काली हो गई है। हाँ माँ, ये सब क्या है, हम तो अपनी भाभी से मिलने के लिए इतने खुश थे कि इतने सारे तोहफे लाए थे और भैया ने लव मैरिज भी की है, तो ऐसी काली कलोटी बैंगन जैसी लड़की से। जुबान संभालो तुम चारों, ये तुम्हारी भाभी है। काहे की भाभी, ये तो हमारे साथ खड़े होने के लायक भी नहीं है। कहां हम गोरी चिट्टी और कहां ये काली कोयला। हम क्या हॉस्टल से भागे भागे इस काली भाभी से मिलने आए थे? तबा तबा, सारा मूड खराब कर दिया, चलो अपने कमरे में। ये कहकर चारों गोरी ननंद अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं ननंद की बात सुन इकलौती भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे सुभद्रा संभालती है। बहू तू फिक्र मत कर, थोड़े दिन में तुम चारों पांचों घुल मिल जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। जी माँ जी। अगले दिन सुप्रिया ननंद के कमरे से गुजर रही थी तो शिवानी परेशान करने के लिए अपने पैर को अड़ा देती है, जिसे सुप्रिया गिर पड़ती है और चारों ननंद हंसने लगती हैं। देखो देखो, कल्लो माई तो गिर गई। क्या हुआ भाभी, ज्यादा जोर की लग गई क्या? अच्छा हुआ, ऐसी काली भाभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। खैर जल्दी से उठिए और आप हमारे लिए पास्ता बना कर लाइए। हाँ, और साथ में ऑरेंज जूस भी। ठीक है दीदी। कुछ देर बाद सुप्रिया चारों ननंद के लिए पास्ता और जूस लेकर आती है तो उन्हें मेकअप करता हुआ कहती है, दीदी
ये आप कौन सी क्रीम लगा रहे हो? इसे लगाने से मैं भी अच्छी दिखूंगी ना? आप मुझे भी मेकअप करना सिखाओगे ताकि मैं अच्छी लगूं? क्या मेकअप? तुम्हारी कोई औकात नहीं है इतना ब्रांडेड मेकअप लगाने की। हाँ तो सीखना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी इस काली सी सूरत पर मेकअप भी कर लोगी तो भी ऐसी ही रहोगी। आई बड़ा लाडो रानी मेकअप लगाने, फोटो यहाँ से। दीदी मानती हो कि मैं काली हूँ, जब भगवान ने ही मुझे काला बनाया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या हम जैसे लोगों की जिंदगी नहीं होती? तुम जैसे लोगों की जिंदगी में सिर्फ कालेपन के ताने सुनना लिखा है, समझी? ये सुनकर सुप्रिया आंखों में आंसू लिए चली जाती है। वक्त गुजरता है, चारों ननंद अपनी काली भाभी को कालेपन के हमेशा ताने देती रहती थी, तो कभी उसे गिरा दिया करती थी। फिर भी सुप्रिया घर में शांति बनाए रखने के लिए किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक साल में वो एक प्यारी से सांवले बेटे को जन्म देती है। सास पूजा करने मंदिर गई थी। इस बीच चारों ननंद की कुछ फ्रेंड्स आती हैं, जिसके बाद वो घर पर किटी पार्टी करती हैं। वाओ यार, क्या मजा आ रहा है तेरी किटी पार्टी में। ऐसे तो तुझे रोज पार्टी करनी चाहिए। तूने अपनी भाभी को खाना बनाने के लिए कुछ कहा था? लाई क्यों नहीं वो अभी तक स्नैक्स? रुक जा, मैं अभी बोलती हूँ। भाभी, ओ भाभी, कितनी देर में खाना लगाओगी या हम सब भूखे मरे यहाँ? बस दीदी ला रही हूँ, मुन्ना जग गया है, आप उसे थोड़ी देर संभाल लीजिए। ओह गॉड, ठीक है उसे दे दीजिए। फिर सुप्रिया मुन्ने को साक्षी के हाथ में दे देती है, पर साक्षी ज्यादा देर संभाल नहीं पाती है। ओहो, इस कलूटे बच्चे ने तो मुझे गीला कर दिया सूसू करके। इसी रूम में ही पटक कर आ जाती हूँ, वरना मेरी किटी पार्टी बर्बाद कर देगा। ये कहकर साक्षी बच्चे को बिस्तर पर लिटाकर आ जाती है, जहाँ वो भीगे कपड़ों में रोता रहता है, और सुप्रिया उनकी पार्टी में एक स्नैक सर्व करती है। सभी दोस्तों के जाने के बाद सुप्रिया अपने बच्चे के बारे में पूछती है। दीदी मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने तो कहा था आप उसको संभाल लेना, फिर? हे भगवान, मुझे उसके रोने की आवाज आ रही है। कमरे में है वो। फिर सुप्रिया भागती हुई अपने बच्चे के पास जाती है, जहाँ वो बहुत ज्यादा तप रहा था और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में अनुज और सुभद्रा घर पर आ जाते हैं। बच्चा चुप न होने पर सब उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर बच्चे को निमोनिया की शिकायत बताता है। और अपने बच्चे की ये हालत देखकर सुप्रिया ननंद से कहती है, देखिए ना, आप चारों की लापरवाही से मेरे छोटे से बच्चे को निमोनिया हो गया है। अरे आपको दुश्मनी मुझसे निकालनी थी तो मुझे मार लेती, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ये करने की क्या जरूरत थी? मैंने आपके कहने पर आपका सारा काम किया, आपके गेस्ट को संभाला, और आपने क्या? तुम चारों के पास मुन्ना था और तुमने उसे गीला छोड़ दिया। इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम तो बुआ हो ना उसकी। मेरे छोटे से बच्चे के साथ तुम चारों ने ये किया है। आज तुम्हारी वजह से वो इतना तड़पता रहा बुखार में। बस बहुत हो गया, तुम चारों को मेरे बच्चे और मेरी पत्नी से प्रॉब्लम है ना? हम तीनों घर छोड़ कर चले जाएंगे अम्मा। भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं जानते थे कि मुन्ने की तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भैया हमें माफ कर दीजिए, पर हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए। हाँ भैया भाभी माफ कर दीजिए, हमें अकल आ गई है कि इंसान का रंग रूप नहीं दिल अच्छा होने चाहिए, जो हम चारों ननंद का है नहीं, वरना ऐसा नहीं करते जो आज हुआ। हम जारों को अपनी गलती का पछतावा है, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज भैया भाभी रुक जाइए। सुनो जी, इनको माफ कर दो। ठीक है। इस तरह चारों ननंद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुन्ने का बहुत ख्याल रखती हैं। कुछ ही दिनों में मुन्ना ठीक हो जाता है और ननंद भाभी के बीच प्यार की नोकझोंक शुरू हो जाती है। गरीब ससुराल में बर्थडे पर आई दो अमीर सहेलियां। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच मोना और रिया, तुमने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल जो बनाया। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनेगा। बस बस बस, ये थैंक यू वाली फॉर्मेलिटी किसी और को दिखाइयो। चल अब जल्दी से केक कट कर, कब से वेट कर रहे हैं तेरे केक कट होने का। बस यार दो मिनट, अरमान अभी आता ही होगा। अरमान का किस्सा कभी खत्म क्यों नहीं होता? अरमान तेरे लायक नहीं है, तू इतने अमीर और बड़े परिवार से है, तेरे परिवार का पूरे शहर में नाम है, और तू एक गरीब से प्यार कर रही है। अरे उसकी औकात तो तेरे घर में नौकर बनने की भी नहीं है।
तुम दोनों क्यों नहीं समझती, मैं अरमान से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे अरमान के गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके साथ सूखी रोटी खाकर भी अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। किंजल इतना कही रही होती है कि तभी वहां अरमान आ जाता है। हैप्पी बर्थडे किंजल, सॉरी मैं तुम्हारे लिए कोई महंगा तोहफा नहीं ला पाया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मन पसंद फूल लेकर आया हूँ। वाओ अरमान, ये फूल तो मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर सबसे प्यारा तोहफा दिया है। किंजल अरमान के साथ मिलकर अपना बर्थडे केक कट करती है। ये सब देखकर रिया और मोना को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से गुस्से में चली जाती है। अरमान एक गरीब परिवार से होता है, वहीं किंजल, मोना और रिया तीनों ही अमीर परिवार से होती हैं। अरमान के गरीब होने की वजह से मोना और रिया बिल्कुल भी अरमान को पसंद नहीं करती, लेकिन किंजल अरमान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसके चलते मोना और रिया हमेशा किंजल को अरमान से दूर रहने के लिए बोलती थी। कितना टाइम हो गया है ना हम लोगों को एक साथ टाइम स्पेंड करे हुए, तेरे उस गरीब बॉयफ्रेंड की वजह से तूने तो हमसे बात भी करना बंद कर दिया है ना, ना जाने आज तू कैसे हम लोगों के साथ आ गई, मुझे तो लगा तू आज भी अपने उस पर टीचर बॉयफ्रेंड को लेकर आएगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं अरमान से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, अगर तुम लोगों को अरमान से इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ठीक है सॉरी बाबा, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे तेरे अरमान के बारे में, वैसे मैंने ये प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए बनाया था, मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर राजीव मल्होत्रा के बेटे राज मल्होत्रा से मेरा रिश्ता तय हो गया है और कुछ ही महीनों में मेरी शादी है। वाओ रिया, शादी के बाद तो फिर तेरी ऐश ही ऐश है, मेरे डैडी भी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और जल्द ही मेरी भी शादी हो जाएगी। किंजल रिया और मोना की बात सुनकर बहुत खुश होती है और कुछ ही महीनों में रिया और मोना की शादी हो जाती है। रिया और मोना की शादी के बाद किंजल भी अरमान से शादी कर लेती है। शादी के बाद किंजल सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। बहू ये तू क्या कर रही है? माँ जी बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे तो मैंने सोचा कि आज इन्हें धो देती हूँ। तू ये सब छोड़, तू जाकर आराम कर, ये कपड़े माला धो लेगी। हाँ भाभी मैं सारे काम कर दूंगी। माँ जी मैं इस घर की बहू हूँ, बहू का तो फर्ज होता है कि वो घर के सारे काम करे और घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाले। लेकिन तुम हमारे जैसे गरीब परिवार से नहीं हो बल्कि एक अमीर परिवार से हो, मायके में तो तुमसे कोई एक गिलास पानी भी नहीं मांगता होगा और यहाँ तुम अपने ससुराल वालों के गंदे कपड़े धो रही हो। माँ जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं घर की बहू हूँ और मेरा फर्ज है आप सबका ख्याल रखना और मैं अपना फर्ज अच्छे से निभाऊंगी। शादी से पहले मैंने कोई काम नहीं करा लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने दीजिए, आप जाकर आराम कीजिए मैं सारा काम कर लूंगी। किंजल की बात सुन मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमीर परिवार से होने के बाद भी किंजल में कोई घमंड नहीं था। किंजल अपने ससुराल में सारे ऐशो आराम ना होने के बावजूद भी बहुत खुश रहती थी। वहीं शादी के बाद रिया और मोना बड़े ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और किंजल का जन्मदिन आने वाला होता है। माला अगले हफ्ते किंजल का जन्मदिन है, शादी के बाद किंजल का ससुराल में ये पहला जन्मदिन है तो मैं चाहता हूँ हम उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएं। मैंने हलवाई से बात कर ली है, वो सारे खाने का इंतजाम कर देगा। माला तुम पूरे घर को अच्छे से सजा देना, मैं कुछ महीनों से पैसे जोड़ रहा था, मैं उन पैसों से किंजल को एक सोने का हार देना चाहता हूँ। शादी के बाद मैं किंजल को कुछ भी नहीं दे पाया, कम से कम मैं उसे एक सोने का हार तो दे ही सकता हूँ ना। हाँ बेटा, शादी के बाद बहू ने हमसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, वो तो इस गरीबी में भी हमारे साथ खुशी खुशी रह रही है, उसका इतना हक तो बनता है। तू एक काम कर, तू किंजल बहू की सहेलियों को भी बुला ले, अपनी सहेलियों से मिलेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है माँ, किंजल के दोस्तों को भी उसके जन्मदिन के बारे में बता दूंगा। जिसके बाद अरमान रिया और मोना को कॉल करता है और किंजल की बर्थडे पार्टी में आने के लिए उन्हें इन्वाइट करता है। रिया और मोना पार्टी में आने के लिए हाँ कर देती हैं, जिसके बाद रिया और मोना एक दूसरे से मिलते हैं। मोना, किंजल का पति फटीचर अरमान किंजल की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो भी अपने घर पर। मैंने तो किंजल को पहले ही कहा था कि उसका साथ छोड़ दे, लेकिन उसने हमारी एक भी नहीं मानी, अब पछता रही होगी, न जाने कैसे उसके साथ रहती होगी उसके छोटे से घर में। मैंने तो कभी इतनी लो क्लास थर्ड क्लास पार्टी भी नहीं देखी है, ना जाने वहां जाने के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा। जरा हम भी तो देखें कि लो क्लास बर्थडे पार्टी होती कैसी है,
और हमारे पास मौका भी है उस अरमान का मजाक बनाने का और उसको उसकी औकात याद दिलाने का। दिन गुजरते हैं और किंजल का जन्मदिन आ जाता है। मालती किंजल को बहाने घर से बाहर ले जाती है। वहीं पीछे माला और अरमान किंजल के जन्मदिन की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जैसे ही किंजल अपने घर आती है तो अपनी बर्थडे की डेकोरेशन देखकर हैरान हो जाती है। आप सबको मेरा बर्थडे याद था, मुझे लगा कि आप सब लोग मेरा बर्थडे भूल गए। आप सब लोगों ने मेरे लिए इतना किया, इतनी अच्छी डेकोरेशन की, केक मंगवाया। ये बर्थडे मेरा सबसे स्पेशल बर्थडे होने वाला है। इतना सब देखकर किंजल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि तभी वहां रिया और मोना भी आ जाती हैं। तुम दोनों यहाँ? मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं तुम दोनों से अपने बर्थडे पर मिलूंगी। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। हमें यहाँ तुम्हारे पति ने इन्वाइट किया है। वैसे किंजल, तुम्हारी बर्थडे पार्टी इतनी सिंपल कैसे हो सकती है? शादी से पहले तुम्हारा बर्थडे हर साल किसी 5-स्टार होटल में सेलिब्रेट होता था और शादी के बाद यहाँ हो रहा है। हमने तो सोचा था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बर्थडे की बहुत अच्छी तैयारी करेगा, लेकिन ये क्या, इसने तो अपनी औकात जितना ही किया है। रिया की बात सुनकर किंजल के ससुराल वालों को बहुत बुरा लगता है कि तभी किंजल बोलती है, तुम दोनों अभी तक नहीं सुधरी ना, तुम दोनों का क्या हक बनता है मेरे घर पर आकर मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करने का? मेरे ससुराल वाले तुम्हारे ससुराल वालों की तरह भले ही अमीर नहीं है, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये लोग मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानते हैं, मेरी इतनी इज्जत करते हैं। तुम लोगों को सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है ना कि प्यार? तुम लोगों के पति ने तुमसे आखिरी बार प्यार से बात कब की थी? तुम लोगों को ये याद भी है? तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हें शॉपिंग और घूमने के लिए पैसे देता है, लेकिन कभी टाइम देते नहीं। मेरा पति चाहे ये सब ना देता हो, लेकिन वो मुझे प्यार और टाइम जरूर देता है। किंजल की बात काफी हद तक सही होती है, जिस वजह से मोना और रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो किंजल और उसके ससुराल वालों से माफी मांगते हैं। आप सभी लोग हमें माफ कर दो, किंजल की बात सुनकर हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। किंजल बिल्कुल ठीक कह रही है, हम पैसों में इतना खो गए कि हमें कभी प्यार दिखाई नहीं दिया, लेकिन आप लोगों का किंजल के लिए इतना प्यार देखकर हमारी आंखें खुल गई हैं। रिया और मोना को अपनी गलती का एहसास देख किंजल और उसके ससुराल वाले उन दोनों को माफ कर देते हैं, जिसके बाद किंजल अपने ससुराल और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपना बर्थडे खुशी खुशी मनाती है।